नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको जो एडवाइजर की ओल्ड एप्लीकेशन है जिसमें आपको जो टोकन रिसीव हो रहे हैं और 30 तारीख तक सब जो लीडर्स हैं उनको टोकन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी सवाल ये आ रहा है कि काफ़ी लीडर्स का क्वेश्चन है कि वो ओक्स टोकन को बेचना चाह रहे हैं और अभी जो रेट है वो उसका कम है और जैसा ये रेट उसका 7 रुपये आए आप प्रॉफिट में हैं तब उसको सेल कर देना। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि ऑक्सफिना का जो टोकन है माई इथर वॉलेट में आपका आ गया है, फिर माई इथर वॉलेट से आपका जो ऑक्स टोकन है उसको आप cryptopia.co.nz, ये एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है जिस पे ऑक्स टोकन हाल ही में रजिस्टर हुआ है, ठीक है। तो उस क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के ऊपर आप अपना टोकन जो है माई इथर वॉलेट से कैसे सेंड करें उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को देखें, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट प्लीज़ कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ऑक्सफिना का जो टोकन है वो क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर कैसे जाएगा माई इथर वॉलेट से। तो सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये ऐसा करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बिट्रेक्स एक्सचेंज है या पोलोनिक्स है या नोवा एक्सचेंज है किसी भी एक एक्सचेंज पर अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर आपको ईथेरियम खरीदना होगा क्योंकि माई इथर वॉलेट में आपका थोड़ा बहुत अमाउंट में ईथेरियम डिपॉजिट होना चाहिए ओक्स टोकन को एक्सचेंज पर बेचने के लिए, ठीक है। तो माई इथर वॉलेट में आपको सबसे पहले ईथेरियम डिपॉजिट करना है, जैसा कि मेरे एक डाउनलाइन का अकाउंट है और उसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मेरा एक अकाउंट है बिट्रेक्स पे, बिट्रेक्स से ईथेरियम को आप माई इथर वॉलेट पर कैसे करें। तो ये पार्ट वन है, आप इसमें मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ आपको कि किसी भी एक्सचेंज से आप माई इथर वॉलेट के अंदर ईथेरियम कैसे डिपॉजिट किए करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईथेरियम को डिपॉजिट करने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के ऊपर आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं उसके आगे आपका जो प्रोसीजर है वो बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले आपको अपना जो अकाउंट है वो बिट्रेक्स में लॉगिन करना है। लेफ्ट साइड में आप देखिए इस पर ओक्स टाइप कीजिए तो क्रिप्टोपिया एक्सचेंज आप ओपन कीजिए, ओक्स टाइप करेंगे तो नीचे देखिए ओक्स BTC, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ओक्स फिना टोकन का जो ट्रेडिंग है वो सब कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्पाइक्स है, अप डाउन है, ये इसका बाई है, राइट साइड में सेल है। तो आपको ओक्स फिना का जो टोकन है वो डिपॉजिट करने के लिए आपको जो प्रोसेस है वो दिखा रहा हूँ, ये इसके प्राइस हैं, करंट प्राइस, लास्ट प्राइस, लो, हाई और लास्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्पाइक्स हैं, इसका जो ऑक्सफिना का जो फ्लक्चुएशन चल रहा है रेट का अप एंड डाउन वो है। तो राइट साइड में ऊपर क्लिक कीजिए, बैलेंस पे क्लिक कीजिए, आपका जो यूजर नेम है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, फिर बैलेंस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी करेंसी हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये करेंसी दिखाई दे राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आप जाइए, सर्च सर्च ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड टॉप कॉर्नर, वहाँ पर टाइप कीजिए ओएक्स, ओक्स टाइप कीजिए तो ओक्स टोकन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ऑक्सफिना, लेफ्ट में डिपॉजिट, राइट में विड्रा और ये ट्रांसफ़र, नेक्स्ट है डस्ट। तो लेफ्ट साइड का जो डिपॉजिट वाला है उस पर आपको क्लिक करना है बिल्कुल लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट ओएक्स पे क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद ये डिपॉजिट का एड्रेस है इसको आप कॉपी करिए, ठीक है। अभी इसका यूज़ नहीं होगा, जस्ट इसको मैं वैसे बता रहा हूँ, पार्ट टू देखिए उसके लिए आप, तो ये जस्ट नॉलेज पर्पज बता रहा हूँ इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो बिट्रेक्स पे आपका ईथेरियम है उसको आपको माई इथर वॉलेट पे कैसे डिपॉजिट करना है वो देखिए आप, ठीक है। माई इथर वॉलेट का अकाउंट बनाइए आप, उसको लॉगिन कीजिए, राइट साइड में देखिए ये एक अकाउंट है, इसमें इतना टोकन पड़ा हुआ है 8320, ठीक है, ये वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी कीजिए आप और माई इथर वॉलेट पे कैसे आपको इथेरियम डिपॉजिट करना है वो प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं। आप लेफ्ट साइड में डिपॉजिट है प्लस का, राइट साइड में विड्रा है, तो हमें यहाँ से निकालना है, तो नेगेटिव पे क्लिक करना पड़ेगा, माइनस का जो चिन्ह आप देख रहे हैं लेफ्ट वाला, राइट वाला, विड्रा, विड्रा पे क्लिक करेंगे हम तो ये एड्रेस मांगेगा, एड्रेस आपको माई इथर वॉलेट का जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर कॉपी करना है, माई इथर वॉलेट का वॉलेट एड्रेस यहाँ पर कॉपी करना है ऊपर, और उसके बाद आपको बिट्रेक्स से ईथेरियम यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करना है। आप ईथेरियम देख रहे हैं 0.0 है उसमें अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने माई इथर वॉलेट का वॉलेट एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको टाइप करना है 0.02, जैसे 0.02 हम टाइप करेंगे, इसमें ऊपर आप ईथेरियम देख रहे हैं 0.85 जो ईथेरियम है ऊपर करंटली अवेलेबल वो है, उसमें से हम इतना निकाल रहे हैं ईथेरियम, बहुत ही
थोड़ा अमाउंट, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं निकाल रहे, बिल्कुल थोड़ा 0.02 हम यहाँ से निकाल लेंगे और विड्रा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है कि आप नेक्स्ट देखिए, जैसे हम विड्रा पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो प्रोसेस है आगे इसका जो ट्रांजेक्शन फीस है वो कटेगा 0.005 और विड्रॉल आपका 0.015 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टोटल विड्रा यहाँ से कितना होगा वो देखिए आप, 0.015 आ रहा है अभी, ठीक है 0.015 आ रहा है। तो मैं इससे ज़्यादा भेजना चाहता हूँ तो ये मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा से मैं इस पर राइट साइड वाले पे क्लिक करता हूँ, विड्रा पे ईथेरियम विड्रॉल पे, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 0.04, ठीक है, मैं 0.04 ईथेरियम, यहाँ के जो टोटल ईथेरियम 0.85 है वहाँ से निकाल रहा हूँ सिर्फ 0.04, यानी कि 10 रुपये के आसपास, ठीक है। तो जैसे निकालूंगा तो हैक्स ऊपर जो एड्रेस है, ये एड्रेस है मेरा माई इथर वॉलेट का वॉलेट एड्रेस है दोस्तों, ठीक है, वॉलेट एड्रेस याद रखना, ये ऊपर वाला वॉलेट एड्रेस है, वहाँ पे आपको इथेरियम सेंड करने हैं, जो ईथ का जो सिंबल है उसके आगे आपका इथेरियम आ जाएगा, ये टोटल 0.035 इथेरियम मेरा वहाँ पे चला जाएगा। तो कन्फर्म करो, इस पर क्लिक करो, आप राइट साइड टॉप कॉर्नर पर आप देख रहे हैं कि विड्रॉल सबमिटेड, यूअर विड्रॉल ऑफ 0.004 इथेरियम सबमिटेड, तो 0.04 में फीस कट करके 0.035 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से माइनस हो जाएगा, अभी ट्रांजेक्शन होने में 5 से 10 मिनट लगेगा आपका बिटरेक्स से आपका जो इथेरियम है वो माई इथर वॉलेट पे, राइट साइड पे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे 0.00 है, थोड़ी देर में यहाँ पर 0.035 इथेरियम आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको माई इथर वॉलेट के अंदर ईथेरियम डिपॉजिट करना है, इथेरियम डिपॉजिट करेंगे उसके बाद ये आप यहाँ से